अंकल जी आप कुछ बताइए, ये जो आप लोगों ने सेटअप किया है इसके पीछे जो जो फंडिंग आ रही है, जो आप ये सेवा कर रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये सिखों में ना ये फंडिंग वाला वर्ड नहीं होता। अच्छा, एक बात समझिए, हमारा तो सिंपल सा सिस्टम होता है, जहाँ चार सिख इकट्ठे हो गए ना वो 50-50 रुपए मिलाएंगे तो 200 इकट्ठे हो जाएंगे। हमारी फंडिंग के सिस्टम नहीं होते जी, वी आर नॉट डिपेंड। अब आप एक बात समझिए, आपकी बॉडी के अंदर आपको एक जगह मिली होती है जिसको जिसके थ्रू आप सारे अपनी जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं ना बॉडी में, ऐसी आपके घर के अंदर भी एक वेस्ट होता है उसको भी आप बाहर निकालते हैं, उसको टॉयलेट बोलते हैं। तो ऐसी हमारे अंदर भी जो कमाई हम करते हैं ना उसका एक दसवां हिस्सा हमारे गुरु ने हमको बताया हुआ वेस्ट का, तो वो हम बाहर निकाल देते हैं बाकी को पवित्र करने के लिए। जैसे हर धर्म में होता है ना, किसी चीज को पवित्र करने के लिए उसके ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है वो सारा पवित्र हो जाता है, तो हमारे को ये सिस्टम बताया गया। हर धर्म के अपने अपने, मुस्लिम्स में जकात होती है, इसमें ये सिस्टम है, बस ये बात है समझने वाली। बाकी ऐसा है, हम लोग एहसान फरामोश हैं। हम 52 साल की उम्र है मेरी, उसमें हम सारी जिंदगी किसानों का खाता आए, हमेशा खाया ही है ना, आप थाली में याद करें तो रोटी पड़ी होती है। हम तो उनकी एक किस्त अदा करने आए हैं, आज वो यहाँ पे आए हैं जो रोटी देता है आपको। अब लोग अगर कहें तो हम तो पिज्जा खा लेंगे, उन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि पिज्जा भी आटे से ही बनता है और आटा वही पैदा करता है। और दूसरी बात जो समझने वाली है, एक एकड़ जमीन के ऊपर 8,000 रुपए का किसान खर्चा करता है, तब उसको 20 किलो अनाज मिलता है, उस 20 किलो अनाज को वो 2,000 रुपए बेचता है, 2,000 रुपए बेचने के बाद उसको 40,000 रुपए मिलते हैं, 6 महीने की फसल के बाद 8,000 रुपए वो माइनस करता है, 32,000 को जब आप 6 महीने में डिवाइड करते हैं तो 6,000 रुपए बनता है। तो अगर आप पिछले 30 साल से हिसाब लगा के देखेंगे तो एक तरह का आप 6th पे कमीशन दे रहे हैं, 7th पे कमीशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जब किसान MSP की मांग के लिए भीख मांगता है तो ये क्या है? बेसिकली 3 बातें हैं, एक भगवान है जिसको आप जन्मदाता कहते हैं, एक आपके माँ बाप है उनको भी आप जन्मदाता कहते हैं, एक है अन्नदाता जो आपको जिंदगी आपकी प्रिजर्व करता है, बचाता है, उसको भी जन्मदाता कहते हैं। तो इस कंट्री में तीनों की इज्जत नहीं।